हमारी सोना बेटी बहुत गुस्से में थी। क्यों? कुछ गुंडे और लड़के उसका पीछा करते हैं। पहले क्यों नहीं बताया? आज जाके देखता हूँ। वो गुंडे लड़के सोना के पीछे पीछे स्कूल तक जाते हैं और छुट्टी के बाद रास्ते में खड़े रहते हैं। मैं आज ही प्रिंसिपल से जाके मिलता हूँ। जल्दबाजी में कुछ मत करो, वो बदमाश लड़के यहाँ के दबंग पैसे वालों के बेटे हैं। अरे मैं बाप हूँ, अपनी बेटी की सुरक्षा मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? अरे बदनामी से भी तो बचना है। कौन सी बदनामी? बदनामी के डर से चुप रहने वालों की बेटियाँ ही पंगे से लटकती हैं। सोना कहाँ है? सोना अपनी दोस्त गुनगुन के साथ है। मेरी माँ तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मेरी माँ भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती हूँ। मैं अपने मम्मी और पापा दोनों से अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। मैं तो अपनी सारी बात अपनी माँ को ही बता देती हूँ और वो पापा को बता देती है। दोनों को अलग अलग बताने का टाइम कहाँ है मेरे पास? लेकिन आज जो हमने उन लड़कों के साथ किया वो तो बताना ही होगा ना। बताना तो होगा, चलो बता देते हैं। चलो। वो सोना और गुनगुन आ रहे हैं। पिताजी क्या बात है, बड़े गुस्से में लग रहे हैं। और आंटी जी आप तो बड़े सदमे में लग रही हैं। तुम लोग अपने पेरेंट्स से सारी बातें क्यों नहीं बताते? बताते हैं और बता रही हूँ। जो दो लड़के हमारा पीछा करते थे उनकी शिकायत आज हमने हमारे प्रिंसिपल से की और प्रिंसिपल ने पुलिस स्टेशन में फोन करके वहाँ पे शिकायत कर दी। आज फिर से वही हुआ, वो दोनों लड़के हमारा पीछा कर रहे थे और उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई। ये तो पुलिस केस हो गया। अरे डरते क्यों है पिताजी, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। मैं अपनी सारी बातें माँ को बताती हूँ, मैं पुलिस को फोन भी कर सकती हूँ और हमने यहाँ तक कि प्रिंसिपल से भी तो शिकायत की ना। और हम ना डरने वालों में से है ना पंखों पे लटकने वालों में से। लेकिन अगर मेरे एग्जाम में कम नंबर आए तो मुझे डांटना मत, क्योंकि मुझे सिंगर बनना है। वेरी गुड बेटा। थैंक यू दादी। आप सब इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना।